है विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए एक नया लेसन लेके आया हूँ और उसका नाम है इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। और उसका जो पहला पार्ट है उसका नाम है हाउ योगा हेल्प्स, कि योग कैसे काम करता है। वर्तमान समय में जब बहुत सारी बीमारियों से हमारा देश अभी घिर रहा है, तो उस समय अभी एक ही आशा की किरण दिख रही है, वो योग। और योग के द्वारा हम विभिन्न तरह के रोगों का निदान कर सकते हैं। तो आइए RBSC क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी के इस महत्वपूर्ण लेसन की तरफ चलते हैं, और जिसका नाम है इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज़ गुड फॉर यू। पूरे विश्व में ये बात जानी गई है कि अभी योग करने से बहुत फायदा है, योग हमारे लिए बहुत अच्छा है। करंटली योगा इज बींग यूज एज ए थेरेपी फॉर कैंसर। अभी भी योग थेरेपी का काम कर रहा है, एक विशेष तरह का फिजिकल फिटनेस के लिए काम कर रहा है, जिसमें कैंसर का निदान हो। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन, जो महिला पुत्र पुत्र जन्म के लिए योग्य नहीं हो पा रही हो, वो बांझपन के रूप में होती है। लंग डिजीज़, अपने को का फेफड़े की बीमारी, अभी आप देख सकते हैं कि कोरोना एक वायरस जो फैला हुआ पूरे विश्व को घेरे हुआ है, ये लंग डिजीज़ के रूप में बहुत ज़ोरदार फैल रहा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक तरह की ये विशेष प्रकार की बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें कि कई सारे रोग हमारे को घेरे रहते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में मैं आपको विशेष और भी बताना चाहूँगा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है। आप यहाँ देखेंगे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, ए डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये एक नर्वस सिस्टम की एक बीमारी है दैट गेट्स वर्ज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। समय जो जो बढ़ता है, व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, त्यों त्यों ये बढ़ता रहता है, विद लॉस ऑफ फीलिंग एंड लॉस ऑफ कंट्रोल एंड मूवमेंट एंड स्पीच। धीरे धीरे व्यक्ति का अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता है, उसके मूवमेंट पर भी असर डालता है, और उसकी स्पीच, जो बोलने का तरीका, वो लड़खड़ाता रहता है। एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बोन टिश्यूज, और धीरे धीरे क्या होता है, जो उनके बोन टिश्यूज होते हैं, हमारे जो शरीर के बॉडी के अंदर जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू जिसको बोलते हैं, उत्तक जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे मोटे होने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। आप ले सकते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो रोग है, इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज़ क्या है, कि ये एक शरीर में कपकपी पैदा करती है, शरीर पूरा कांपता रहता है, ये भी लगभग इसके समान ही है, स्क्लेरोसिस के समान है। पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर कपकपी होती है, तो रसायन पैदा करने वाली मस्तिष्क की जो कोशिका होती है, वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में मैं आपको विस्तृत यहाँ और बताऊँगा। यहाँ देख सकते हैं आप कि पार्किंसंस डिजीज़ क्या है, ए डिजीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये भी नसों की ही बीमारी है, दैट गेट्स वर्ज ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड कोजेज द मसल्स टू बिकम वीक। धीरे धीरे मसल्स, हमारी मांसपेशियाँ होती है, वो कमज़ोर हो जाती है, एंड द आर्म्स एंड लेग्स टू शेक। और व्यक्ति के हाथ और पैर, लिम्स जिसको बोलते हैं, इसको शॉर्ट में लिम्स कह सकते हैं, धीरे धीरे कांपने लगते हैं, पार्किंसंस डिजीज़। इसके अलावा अगली जो डिजीज़ आती है वो आती है इनसोम्निया। इनसोम्निया का मतलब होता है व्यक्ति अनिद्रा का रोगी हो जाता है, व्यक्ति को नींद नहीं आती, इनसोम्निया हो जाता है। फिर हाई ब्लड प्रेशर, आपने कहो कि अभी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर, लो प्रेशर की, एंड जॉइंट पेंस, और शरीर ककड़ने लगता है, पकड़ने लगता है, जॉइंट पेंस होने लगते हैं, इस तरह से गठिया रोग जैसे रोग पैदा हो गए हैं। येट देर इज़ वेरी वेरी लिटल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा इज। लेकिन फिर भी क्या है कि बहुत कम जानकारी, अवेयरनेस, लोग अवेयरनेस नहीं रख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझदारी नहीं है ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा इज। सभी कह देते हैं ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, योगा, अरे ये योगा नहीं। योगा करने के भी नियम है, चरणबद्ध तरीके से करना पड़ता है, तभी इसका फायदा मिलता है। इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज़, यहाँ तक कि मेडिकल कम्युनिटीज़ को भी इतनी अभी जानकारी नहीं है कि योगा किस तरह से कार्य करता है। द की इज़ टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज। अब जो महत्वपूर्ण बात है, उसकी कुंजी जिसको बोलते हैं, की बोलते हैं, यही एक हम तीनों के मध्य संबंध को जाने, इसमें स्ट्रेस तनाव कैसे होता है, योग कैसे किया जाता है, और डिजीज़, इन तीनों को अगर कॉम्बिनेशन बिठाते हैं तो हम निश्चित रूप से योगा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपके पास आपदा का सामना करने का है और आपदा में आप अवसर कैसे ढूंढ सकते हैं। योग के द्वारा आप अपने शरीर को सही ठीक कर सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आप इस समय का पूरा सदुपयोग करते हुए पढ़ाई पर पूरा मन लगा सकते हैं। कहते हैं योग करने वाला विद्यार्थी अपने शरीर को कंट्रोल में करके आगे अच्छा बढ़ सकता है। आप आगे पढ़ सकते हैं कि मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स कि जो मेडिकल का जो रिसर्च है अनुसंधान किया, वो एस्टिमेट लगा अनुमान लगाता है एस्टिमेट्स करता है दैट एज मच इज 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज कि लगभग 90% कितनी 90% बीमारी और इलनेस और डिजीज होती हैं डिजीज ऑफ आवर बॉडी ये स्ट्रेस रिलेटेड होती है, तनाव से ही रिलेटेड होती है। अगर तनाव है तो शरीर में बीमारी निश्चित रूप से आती है। अ फ्यू ऑफ द मैनी डिजीजेस बहुत सारी बीमारियाँ उनमें से कुछ ऐसी हैं एंड कंडीशंस एक ऐसी कंडीशंस बनती है दैट हैव बीन लिंक्ड टू एंड ओवर एक्टिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंक्लूड अगर आवश्यकता से ज़्यादा तनाव होता है तो कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है। इसमें आप देख सकते हैं कार्डियोवेस्क्यूलर डिजीज। कार्डियो आपको मालूम है कॉमन भाषा में आप कहते हो कि हृदय की गति रुक गई, इसको हार्ट अटैक बोलते हो, लेकिन इसको वास्तव में कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक का संबंध सीधा अपने हृदय से होता है, हार्ट है ना, दिल इससे संबंध होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बात बताइए कि इसमें कार्डियोवेस्क्यूलर डिजीज। दूसरा है डिप्रेशन, डिप्रेशन डिप्रेशन का अवसाद, अवसाद जो होता है व्यक्ति किसी कार्य को करने में जब असफलता धीरे धीरे महसूस करता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसको कहते हैं अवसाद कहते हैं। एंग्जाइटी चिंता जिसमें भविष्य के प्रति उसका निश्चयता नहीं दिखती, उसको भय होता है और किसी चिंता की भावना सभी एंग्जाइटी से संबंधित होती है। एंग्जाइटी सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिट्यूस उस तरह के मधुमेह रोग, आपको पता है मधुमेह रोग जो होते हैं ये सारे जिनका सभी संबंध किसे तनाव से संबंधित होता है और हमें ये सारे समाधान किए जा सकते हैं। समाधान मैं मित्रों आपको बताना चाहूँगा हमारे देश में ही है, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने बनाए हैं और उनका फॉलो करने का समय आ गया है। हम उनका फॉलो करें, हम अनावश्यक दवाइयाँ क्यों खाएं, हम दवाइयों को कम करते हुए हमारे शरीर को ऐसा बनाएं जिससे कि शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर डेवलप हो। विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ आएंगी, अब तो शुरुआत है, बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप योग के द्वारा इन बीमारियों का खात्मा कर सकते हैं। व्हाट वी फील एज स्ट्रेस तनाव, व्हाट वी फील एज स्ट्रेस तनाव के रूप में हम जो महसूस करते हैं इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है तनाव, क्या होता है कि शरीर के अंदर एक विशेष रूप से अनुकंपी या सहानुभूति तंत्रिका तंत्र काम करता है। इसके अंदर सहानुभूति कहते हैं कि जिस तरह से छोटा बच्चा डरता है या किसी पशु से या कुत्ते से किसी डर के भागता है और उस समय जब डर के मारे जब वो माँ के आंचल में पहुँचता है और माँ उसको जिस तरह से दुआरती है और बच्चा अपने आप को एक सिक्योर महसूस करता है, हमारे शरीर के अंदर भी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमें सहानुभूति दर्शाता है, थोड़ी देर के लिए हमारा बचाव करता है, तो इसको समझना जरूरी होता है। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, या इसको कह सकते हैं या तो लड़ो या भाग लो, फाइट और फ्लाइट, पहले तो मुकाबला करो, मुकाबले में जीत गए तो हम हमारा शरीर हमारा काम कर रहा है, या फ्लाइट या फिर बच लो भाग लो। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इसका सीधा संबंध किससे होता है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं सहानुभूति तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं। और इसका किस पर नियंत्रण होता है, इसका खून पर, हृदय पर, पाचन प्रक्रिया पर, हर तरह से नियंत्रण इसका होता है। कहते हैं अचानक शरीर के अंदर इस तरह से जो ऐसे कार्य होते हैं तो शरीर एकदम क्या होता है, उद्दीपन की प्रक्रिया में आ जाता है, एक्साइटमेंट में आ जाता है और तब उस समय हमारे सामने तकलीफ पैदा करता है। एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियसली तुरंत होने वाला, आप जैसे चाय कॉफ़ी, कॉफ़ी के ऊपर लिखा था इंस्टेंट कॉफ़ी का, मतलब तुरंत बनने वाला, तो हमारे शरीर के अंदर एक इंस्टेंट तुरंत डिसीजन लेता है और वो डिसीजन लेने वाला कौन सा सिस्टम है, इसको कहते हैं सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। प्यारे बच्चों, एन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, हृदय की गति में एकदम सर्ज हो जाता है, उस पर जो हृदय की गति हमारी एक नियमित रूप से जो हृदय धड़कता है उसमें क्या हो जाता है,
अनियमितता आना शुरू हो जाती है। हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर का कम ज़्यादा हो जाना, स्वेटिंग, अचानक शरीर में पसीना पसीना हो जाता है, स्वेटिंग, आप देखो कई बार बहुत सारा पसीना हो जाता है, स्वेटिंग, शेलो ब्रीथिंग, श्वास में कमी हो जाती है, शेलो ब्रीथिंग हो जाती है, धीरे धीरे श्वास लेने में कमी आ जाती है, शेलो ब्रीथिंग हो जाती है, एंड मेटाबॉलिज्म, और ये किस पर, उपापचय प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालती है, उपापचय हमारे शरीर के अंदर जो पाचन वगैरह जो उपापचय प्रक्रिया सारी होती है उन पर प्रभाव डालता है। कॉम्बाइंड विद टेंजिंग ऑफ मसल्स, और हमारे जो मसल्स होते हैं टेंजिंग ऑफ मसल्स, ये मांसपेशियों में झुकाव आना शुरू हो जाता है। इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, आंतरिक रूप से अगर देखें तो फाइट और जो फ्लाइट रिस्पॉन्स है शट्स डाउन, ये क्या करता है, बंद कर देता है। किसको बंद कर देता है, डाइजेशन एंड एलिमिनेशन, पचने की प्रक्रिया को, और एलिमिनेशन समझते हैं आप, जैसे जो भी आप विष्ठा के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं एलिमिनेशन कहते हैं उसको निकालना, एलिमिनेशन की प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है, एंड रिड्यूसेस ब्लड, और जो खून का जो फ्लो है शरीर के अंदर, खून हमारा दौड़ता रहता है, बताया आपको पूरे शरीर में खून दौड़ता रहता है, उसके रिड्यूस करता है, कम करता रहता है, रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गेन्स, कहाँ तक, आंतरिक जो हमारे अंगों तक, आपको पता है कि हृदय से जब खून निकलता है तो हमारे आंतरिक अंगों तक पहुँचता है, अशुद्ध रुधिर अंदर आता है, शुद्ध रुधिर शरीर में घूमता है, तो इस सारे इनको रोकने का काम कई बार क्या होता है, फाइट और फ्लाइट सिस्टम में कार्य हो जाते हैं। कई बार अचानक किसी के अचानक दस्त लग जाती है, तो कई बार अचानक किसी के शरीर में इस तरह रुकावट हो जाती है, श्वास रुकने जैसा हो जाता है, ये सारे सिस्टम जो होते हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सक्रिय होने से होते हैं, और फाइट और फ्लाइट से रिस्पॉन्स पैदा होते हैं। फॉर शॉर्ट टर्म कहते हैं अति सर्वत्रवर्जन, ये जितना भी कार्य कर कुछ समय तक के लिए होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फॉर शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेस, ये जो तनाव है ना, रिएक्शन इज ए गुड थिंग, ये जो तनाव, ये रिएक्शन बहुत अच्छा लगता है, कौन सा कि अचानक ऐसा होना, लेकिन इसमें अगर लंबे समय तक रहता है तो बीमारी का रूप लेता है। द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रिपेयर्स अस, जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या करता है, हमें तैयार करता है टू रिस्पॉन्ड देना, प्रत्युत्तर देना, क्या देना, टू रिस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट, प्राकृतिक रूप से जो भी धमकी आती है, भक्की आती है, परेशानी आती है, उसको रोकने का काम करता है। थ्रेट बाई फाइटिंग अगेंस्ट इट, इससे लड़ते हैं तो शरीर में बुखार, आपको देखा बुखार क्या है कि जब बाहरी शत्रु जो होता है वो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और शरीर की जो ब्लड सेल्स होती हैं वो उनसे लड़ना शुरू होती है। जब लड़ाई के दरमियान क्या होता है, शरीर के तापक्रम बढ़ जाता है, और बढ़ने के दरमियान क्या होता है, कई बार बुखार उतर जाता है, कई बार बुखार चढ़ जाता है, क्यों, अगर अंदर वाले जीतते हैं तो बुखार उतर जाता है, बाहर वाले जीतते हैं बुखार चढ़ जाता है, फिर एक्स्ट्रा सैनिक कहाँ से भेज जाते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से, गोली के माध्यम से, टेबलेट के माध्यम से, और फिर हमारे लंबे समय तक उसका उपचार, परिणाम इसमें भी ऐसा ही सामने देखने मिलता है कि फाइटिंग अगेंस्ट इट और फ्लिंग फ्रॉम इट, या तो इसके विरुद्ध लड़ो या इससे भागो, दोनों में से सिस्टम होगा। बट लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस, लेकिन लंबे समय तक अगर इस तरह का जो तनाव का जो एक्सपोजर होता है ये नुकसानदायक होता है। प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टीयर ऑन द बॉडी, ये शरीर को छिन्न भिन्न करने का काम करता है, सिस्टम सीवियरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज, और धीरे धीरे शरीर को जो ऊपर वाले भगवान ने जो हमको गॉड गिफ्ट थिंग दी है कि हमारा शरीर हम अपने आप को कंट्रोल कैसे करता है, वो धीरे धीरे उनमें कमी होने लगती है। कई सारी शारीरिक क्षमता ऐसी होती है जिसमें ऊपर वाले प्रदत्त की होती है, लेकिन उन पर हम क्या करते हैं, हमारी विजय प्राप्त करना चाहते हैं, इस यूनिट को बार बार सुनते रहना जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिस हो, बचा हुआ जो यूनिट है उसकी पार्ट 2 के रूप में कल आपको, तब तक के लिए गुड बाय।